दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे AR Draw Sketch Trends and Sketch एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन है क्या और इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से आप अपने स्केचिंग, अगर आपको स्केचिंग करने का शौक है या फिर आप अपने स्केचिंग स्किल को और बढ़ाना चाहते हैं, ये आपको एप्लीकेशन काफ़ी मदद करने वाला है। और बहुत ही इजी तरीके से आप कठिन से कठिन इमेजेस को, ऑब्जेक्ट को आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तक इसको 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है और 4.0 की रेटिंग मिली हुई है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आप इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करेंगे सबसे पहले तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। तो अभी ये ऐड है, ऐड को हम लोग कट कर देंगे और ऐड को कट करने के बाद हम देखते हैं। तो ये देखिए ऐड है, इस ऐड को हम लोग कट कर देंगे। ओके, यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करके सही वाले निशान पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है इस तरह से, और नेक्स्ट पे क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब हम आ चुके हैं इस ऐप के होम पेज पे। तो यहाँ पर किस तरह से आप इसमें इसको यूज़ करेंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मिलता है ड्रॉ ए पिक्चर फ्रॉम इन्वर्टेड इमेज ऑन योर फोन, यानी आपके फ़ोन से अगर कोई इमेज है उसको आप आसानी से स्केच के तौर पर अपने बुक पे उतारना चाहते हैं यानी कॉपी करना चाहते हैं, तो आप इस वाले सेक्शन में क्लिक करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर दे रहा है प्लेस ए पेपर ऑन द स्क्रीन एंड द ड्रॉ इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सीन दिया है। ये दोनों आपको वही चीज़ है, अगर आपको यहाँ पर क्लिक करते हैं इस वाले में तो यहाँ पर एक ऐड चालू हो जाएगा और इस ऐड को हम लोग कट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्केच मिल जाएंगे, जिसको क्या करना है अगर आपको उसको बनाना चाहते हैं अपने अपने बुक पे, तो यहाँ पर आपको जो भी आपको स्केच बनाने का मन कर रहा है यानी जो भी आप इंटरेस्टेड हैं जिस भी स्केच में, आपको क्या करना है सिंपल है, उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ये ऐड आ जाएगा। इस ऐड को हम लोग कट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे इस ऐड को हम लोग कट किए और कट करके यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मेन से रिलेटेड बहुत सारे स्केच मिल जाएंगे, जिसको अगर आप जो भी आपको पसंद है उसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से, और सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर देख सकते हैं ये सब हो चुका है। आप इस इमेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखेगा बहुत सारे चीज़ें जिसको आपको सेटअप करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये मिल जाता है ऑटोपेसिटी का, ठीक है ना, जिसमें अगर आप इसको चाहें तो इमेज को पूरा सेटअप कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। ये ऐड आ रहा है, इसको ऐड को हम थोड़ा छोड़ देंगे और यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतने सारे ऐड आ रहे हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इमेज को पूरी तरह से आप सेटअप कर लीजिएगा पहले, सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर देखें इमेज का पूरा हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको देता है पेंसिल का निशान, जिसको आप यहाँ से पूरी तरह से इसको चाहें तो हटा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिखता है ये वाला कलर वाला, यहाँ से कलरिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आप स्केच नहीं कर सकते, बस इसको कलरिंग करना चाहते हैं तो आप इसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं इसमें, अगर मैं इस ऐड को कट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमको सबसे पहले ऐड को कट करना पड़ेगा। ओके, इस ऐड को हम लोग कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पर बैक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने बैक हुआ। अब बात करते हैं स्केच का, ये जो था ना वो ट्रेंड्स का, ठीक है ना, जिसमें आप कलरिंग करेंगे। स्केच करने के लिए यहाँ पर स्केच करने के इस पर क्लिक करेंगे, एनिमी पे क्लिक करेंगे यानी जो भी आपको इमेज बनाना है उस पर। उसके बाद यहाँ पर आएगा बहुत सारे चीज़ें, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ऐड आ जाएगा। इस ऐड को हम लोग कट कर देंगे। ओके, इस ऐड को हम लोग कट करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा अलाउ करना पड़ेगा, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं ये इमेज आ चुका है। आप इसको पूरी तरह से सेटअप कर लीजिएगा जिस हिसाब से रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये मिलता है ऑपोसिटी का, इसको हम सेटअप कर सकते हैं कि जितना आपको रखना है। उसके बाद अपने पेन अपने